नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा में स्वागत है। मित्रों, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए निजी मिजैकल की एक फेमस पोइम है आइलैंड, इसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। स्टार्ट करते हैं। आइलैंड अनसुटेबल फॉर सॉन्ग्स एज वेल एज सेंस। ये जो आइलैंड है, ये गानों के लिए और सेंस दिमाग के लिए अनसुटेबल है। यहाँ आइलैंड में आपको बता दूँ, ये बॉम्बे की बात कर रहा है, मुंबई की बात कर रहा है। अर्बन जो थीम है वो हमेशा से निजी मिजैकल की पोइम्स में रही है। द आइलैंड फ्लोवर्स इन टू स्लम्स एंड स्काई स्क्रैपर्स। इस आइलैंड के अंदर स्लम भी हैं, झुग्गी झोंपड़ियां भी हैं और स्काई स्क्रैपर गगनचुंबी इमारतें भी हैं। रिफ्लेक्टिंग प्रीशियसली द ग्रोथ ऑफ माई माइंड। ये जो आइलैंड है, ये मेरे दिमाग की ग्रोथ को बड़ी सूक्ष्मता से, प्रीशियसली, बड़ी माइन्यूटली, एग्जैक्टली मेरे दिमाग की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। आई एम हेयर टू फाइंड माई वे इन इट। मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं इस आइलैंड में अपना रास्ता बना सकूँ। सम टाइम आई क्राई फॉर हेल्प। कई बार मैं हेल्प के लिए रोता हूँ, बट मोस्टली कीप माई काउंसिल, पर अपनी सलाह को अपने पास ही रख लेता हूँ। आई हियर डिस्टोर्टेड इकोज ऑफ माई ओवन एम्बिगुअस वॉइस। एम्बिगुअस मतलब अब अस्पष्ट, मेरी जो अस्पष्ट आवाज है, मुझे उसकी डिस्टोर्टेड विकृत इकोज गूंज सुनाई देती है। एंड ऑफ ड्रैगन्स क्लेमिंग टू बी ह्यूमन। और मुझे वो ड्रैगन्स भी दिखाई देते हैं जो इंसान होने का दावा करते हैं। ब्राइट एंड टेम्पटिंग ब्रीज फ्लो अक्रॉस द आइलैंड। चमकदार और ललचाने वाली, टेम्प्ट कर देने वाली जो हवाएं हैं, वो इस आइलैंड पे बहती हैं। सेपरेटिंग पास्ट फ्रॉम द फ्यूचर, जो कि पास्ट को, भूतकाल को फ्यूचर से अलग कर देती हैं। देन द एयर इज स्टिल अगेन। वो हवा अभी भी स्टिल है। एज आई स्लीप द फ्रेग्रेंस ऑफ इग्नोरेंस। जब मैं अज्ञानता की खुशबू में सोता हूं तो वो हवाएं स्टिल हो जाती हैं। हाउ डिलाइट द सोल विद एब्सोल्यूट सेंस ऑफ साल्वेशन। मुक्ति का जो सेंस है, उससे आत्मा कितनी खुश होती है। हाउ होल्ड टू ए सिंगल विल्ड डायरेक्शंस। किस तरह से हम एक एक ही सिंगल विल, जो हमारी एकमात्र इच्छा है, उस डायरेक्शन में कैसे चले। और ये लास्ट लाइनें जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आई कांट लीव द आइलैंड। मैं इस आइलैंड को छोड़ नहीं सकता हूं। आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंगिंग। मैं तो पैदा ही यहीं हुआ था, मेरा तो, मेरी बिलोंगिंग ही यहाँ की है। इवन नाउ ए होस्ट ऑफ मिरेकल्स हरीज मी ए डेली बिजनेस। अब मैं कुछ चमत्कारों से फटाफट अपना डेली बिजनेस करता हूँ। माइंडिंग द वेज ऑफ द आइलैंड। और मैं अपने दिमाग में आइलैंड के रास्तों को ध्यान रखता हूँ। एज ए गुड गुड नेटिव शुड, जैसे कि किसी अच्छे एक नेटिव पर्सन को करना चाहिए, उसे आइलैंड के तरीकों का ध्यान रखना चाहिए। बॉम्बे की भीड़ भाड़ की बात कर रहा है, बॉम्बे के एटमोसफियर की बात कर रहा है। टेकिंग काम एंड क्लेमर इन माई स्ट्राइड। और इस तरह से मैं अपने जो मैं अपनी रफ्तार पकड़ता हूँ, उसमें मैं काम करता हूँ, शांत रहता हूँ और क्लैमर, शोर मचाता हूँ। मेरी जो ग्रोथ है, उसके अंदर मैं शांत रहता हूँ और क्लैमर करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक्स ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत।